नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव जगह जगह जाकर लोगों को पीएम मोदी के पुराने भाषण सुनाकर बता रहे हैं कि इस बार जुमलों में फंसना बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए। हुआ ये दोस्तों कि तेजस्वी यादव की रैली में अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ गूंजने लगी। तेजस्वी की चुनावी सभा में ब्लूटूथ स्पीकर लगाया गया, फिर प्रधानमंत्री के 10 सालों के किए गए वादों को जनता के सामने सुनाया गया। इस जनसभा से जुड़ा एक वीडियो तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए इसके साथ में लिखा है कि कल चुनावी सभा में एक साथी ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लगा दिया। इसमें क्या है ये आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे अब जनता स्पीकर पर सुन और सुना रही है। इतना झूठ बोला गया है कि अब समेट नहीं पा रहे हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल और कर सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर इतना अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही बोलो जो कर सको। दोस्तों, जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महंगाई, गरीबी, गैस सिलेंडर और 15 लाख वाले तमाम भाषण जो है वो सुनाए गए हैं। तेजस्वी ने अपने फ़ोन से माइक लगाकर ये तमाम जो बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वो पहले किया करते थे वो जनता के सामने रखी हैं। सबसे पहले पीएम मोदी का पुराना महंगाई वाला भाषण चलाया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं। सुनिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और अब तो दोस्तों महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं रहा इनके लिए। खैर, अब इसके बाद जो दूसरी बात है उसमें मोदी गरीब के चूल्हे का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पीकर सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह नहीं है। ये गरीब का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो घर में जो गैस सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिया इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, गरीब को कुछ दे दो उसको। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। और अब दोस्तों हाल तो ये है कि 400 रुपए का जो सिलेंडर पीएम मोदी को तब महंगा लगता था, अब वही उनकी सरकार में 1000 के पार पहुंच चुका है। इसके बाद आती है दोस्तों सबसे बड़े जुमले की बारी, जिसमें पीएम मोदी कहते हैं कि दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल पैकेज की जो भी आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली सरकार की प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक गन्ने की मिल थी, ताले क्यों लग गए हैं, गन्ने की मिल खेती करने वाले किसानों का क्या हुआ, हिंदुस्तान के एक एक गरीब लोगों को मुफ्त में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुनिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक लीटर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई, गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए। फिर आती है वो बात जिसे आज भी विपक्ष और तो और जनता भी अक्सर पीएम मोदी से सवाल करके पूछती रहती है। उन्होंने कहा था कि एक एक पाई हिंदुस्तान में वापस लाई जाएगी। मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी मिल जाए तो कोई गलती मिल जाए, आप जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वो भुगतने को तैयार हूँ। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए,
आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों ये काम देश के मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए गए हैं। दोस्तों पर तेजस्वी यादव, ये जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से उन्होंने पीएम मोदी के तमाम वादों को याद दिलाया है, वो जनता को कैसी लग रही है आपको ये देखना चाहिए। एक यूजर ने लिखा है कि तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के लिए बुरा सपना बन गए हैं, जो भाजपा के परिस्थिति की तंत्र को साफ सुथरा कर रहे हैं। वो अपने प्रचार में मोदी के भाषण चला रहे हैं जो उन्होंने 2014 से पहले दिए थे, और महंगाई और नौकरियों पर बात की थी। अब वो अपनी रैलियों में इसी तरीके से उनके भाषणों को सुनाएंगे। यह हर भारतीय नेता को करना चाहिए। विजय लिखते हैं कि तेजस्वी यादव ने 2014 के अभियान के दौरान सीएम मोदी के चुनाव प्रचार भाषणों को चलाया, चुनावी रैलियों में उनके भाषण सुना करके मोदी को बेनकाब किया। शाबाश तेजस्वी यादव, इसे पूरे हिंदी प्रदेशों में दोहराया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी से काव्या लिखती है कि नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी रैलियों के दौरान मोदी के पुराने भाषण बजाए, बेहतरीन रणनीति, चुनाव कैसे लड़ते हैं, ये विपक्ष की सभी पार्टियों को तेजस्वी से सीखना चाहिए। दोस्तों जनसभा में मोदी जी के सारे झूठे वादे, जिस पर अब वो बोलने को तैयार ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, उन तमाम वादों को जनता के बीच में खोल कर तेजस्वी यादव ने चुनावी अभियान को दोस्तों एक अलग ही स्पीड दे दी है। विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अब कि जनता से इतना झूठ बोला गया है कि अब समेटे नहीं समेट पा रहा है। खैर, चुनाव से पहले जनता को ये तमाम जो पुराने वादे थे वो याद तो दिलाए गए हैं, लेकिन अब जनता चुनाव में क्या फैसला लेगी ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप उल्टा चश्मा UC को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।